हम लोग गए थे एक डॉग के रेस्क्यू में, जिसको हमें पता चला था कि उसके शोल्डर में मैगेट वुंड है। वो हमारे गाड़ी के आगे चल रहा था। इसी ग्राउंड में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हम, किस ग्राउंड में चले जी? क्यों, क्या हो गया? इस ग्राउंड में ये जगह खुली है, यहाँ पे चलते हम लोग, इसके चलते नेट डाल सकते हैं इसी। उसने 2-3 किलोमीटर हमारे आगे आगे चला है मेन रोड में, और हम गाड़ी धीरे धीरे करके उसके पीछा कर रहे थे। हमें ये डर था कि उसको पता ना चल जाए कि हम लोग हैं और वो कहीं भाग जाए, तो हमने वेट किया कि वो कहाँ जाके रुकता है। वो बहुत आगे गया, फिर धीरे से रुका, तो हम लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश किया। वो बहुत एक्टिव था डॉग। कूद जाएगा ये। नहीं नहीं, नीचे उतर गया। और उसने बहुत हमें दौड़ाया, इधर उधर किया, बहुत ज्यादा दौड़ाया, 2-3 बार आया भी, भागा भी, और हमने उसको पकड़ लिया। 2-3 बार इसको पैन नेट में। हाँ, वो नेट से भाग गया। मूली की पालमपुर से जो फीमर फ्रैक्चर की सर्जरी कराई गई थी वो अब हील होने लगी है। उसके सूचर्स भी हमने ओपन कर दिए हैं, लेकिन उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहती है। इसके लिए उसको बेड सोर्स होने का भी काफ़ी डर है, और ब्लड सर्कुलेशन भी दोनों पैरों का रुक जाता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम इसे बेल्ट के सहारे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो, बेल्ट है, बेल्ट है, हॉइस्ट टाइप बेल्ट है एक, जिसको हम उसके बेली में डालते हैं, फिर उसके थ्रू उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा वेट अपनी टांगों पे अगर नहीं ले पाती, थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिले, ताकि वो थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करेगी। चल चल, वेरी गुड, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे चल कोशिश कर, और कोई नहीं, मैं हूं। चल चल चल। सुमित जो कि गगल में हमारे रेस्क्यू में हेल्प करते थे काफी ज्यादा, कोई अबैंडन्ड पिटबुल उनके एरिया में आ गया था, तो वो उसको खाना वाना तो प्रोवाइड करते ही थे, लेकिन जब उसके बच्चे हुए तो उन्होंने उसको शेल्टर भी दिया। उसके 2-3 बच्चे तो अडॉप्ट हो गए, लेकिन इस बच्चे को जॉन्डिस का इशू आ रहा था। हम पहले वहाँ पर ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन डॉग खाना पीना बंद कर चुका था, तो हमने उसको यहाँ पर शिफ्ट किया। लगभग हमने 1 हफ्ते के लिए फॉस्टर किया था, साथ में उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो चल रही थी। नहीं, मेरा बच्चा ठीक होने लगा तो वो बीच में आए भी थे उससे मिलने, और उसके बहनों को भी लेके आए थे कल परसों से ना, ये बीच में ठीक हो जा रही, बीच में ढीली लग रही है। कितने टोटल बच्चे हुए थे? 5 हुए थे, 2 मर गए, ये 3 बचे हैं। मैंने कहा इसका चेकअप करा लेते हैं ना, इनका भी शायद इन्फेक्शन ना हो। ये बड़ा शरारती है मैडम, ये लड़का बहुत शरारती है। और अभी हमने डॉग को वापस उधर ही शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि डॉग की मदर है वहाँ पे और बच्चे भी थे, तो यहाँ पर अडॉप्शन तक के लिए वेट करना डॉग के लिए रिस्की हो सकता था, और उन्होंने उसके लिए अच्छे अडॉप्टर्स भी ऑलरेडी ढूंढ रखे हैं। मैम एक तो ये भाई ने लिया हुआ, एक तो मुकेश जी को मैंने जैसे ही देवी का अडॉप्शन कन्फर्म हुआ तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि वो अगले दिन आके उसको मिल सकते हैं। पहली बार उसको मिलने आ रहे थे जब से वो यहाँ पे आई थी। इसका आँख का तो कुछ नहीं हो सकता था, आँख तो निकल चुकी थी, नहीं उसकी आँख। आपकी डॉग से दोस्ती थी इसकी अच्छी खासी, मतलब डॉग मान लो उसकी बॉडीगार्ड थी, पहले हमेशा ना मेरे साथ ही रहती थी, घर पे ही सोती थी, जैसे मेरा पर्सनल पेट है वो उसके साथ साथ चलती रहती थी। और जब मैंने ना जैसे इसने बाइक की आवाज़ ही पहचान लेती थी, उसने रास्ते में आ जाना फिर साथ में, अगर मैं रात को उठूंगा भी तब भी साथ में रहती थी। अभी इसको मुंबई में, मुंबई जा रही है। हाँ जी, उन्होंने मुंबई से जो उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने पहले भी हमसे डॉग ली थी, उसकी अभी अभी डेथ हुई है, तो वो हमसे फिर से अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसके लिए फिर उन्होंने देवी के लिए फ़ोन किया। अच्छा लग रहा है उसको। सुबह से बारिश हो रहा है, क्या प्लान है आज ट्रीटमेंट्स का? सभी का डॉक्टर भी यहीं खड़े हैं। वो प्लान चेंज नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो कैसे कैसा मैनेज कर रहे हैं? वही जहाँ पर एनिमल बंधे हुए हैं, जो कैनल में डॉग है वहीं पर जाके ही ट्रीटमेंट है। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, और उसके बाद फिर एक जगह बैठी और बस चिल्लाया जा रहा था, चीख रहा था बहुत ज़्यादा। जो उसके इन्फॉर्मर्स थे वो खुद उसे यहाँ ले आए थे, क्योंकि उनके सामने ही वो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, कुछ कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा।
उस पपी को पेल्विक फ्रैक्चर है, हम उसे कल पालमपुर लेकर गए थे उसका एक्सरे करवाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज है उसके पीछे वाले हिस्से में। उसका कुछ भी पिनिंग या कोई भी सर्जरी नहीं की जा सकती क्योंकि अलग अलग जगह में उसकी हड्डियाँ टूटी हैं, तो फिलहाल तो उसको कम से कम 1 से 2 महीना प्रॉपर केज रेस्ट बोला गया है। जो स्टमक वाला एरिया है उसके साइड में थोड़ा सा फ्लूइड भी जमा हो गया है क्योंकि अंदर का कोई पोर्शन रप्चर जरूर हुआ है उसका। डॉग का कंडीशन उतना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन में है। उसको हम लोग मल्टीविटामिन्स और जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है वो सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसको बिल्कुल केज से बाहर नहीं निकाल सकते। उसको स्ट्रेस फ्री करने के लिए हम ऐसे कहीं पे भी उसको लेकर नहीं जा सकते, बस या तो उसके पास बैठ सकते हैं या उसको पेन किलर ही से मैनेज किया जाएगा। कुछ तो यहाँ तो अंदर घुस गया है, इसे बहुत पेन बहुत ज्यादा है। एक्सरे के लिए भेजा था, एक्सरे इसका नॉर्मल है, इसको नर्वस इंजरी ही है पैर में। इस वजह से वो अपना पैर घसीट कर चलने लगी थी जिसके कारण उसके नेल में भी थोड़ी सी इंजरी हुई और काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगा था। हमने प्रॉपर ड्रेसिंग कर दी और अभी हमने उसको शू पहना रखा है। फ्रीश मुँह को फॉस्टर कर रहे हैं, हमें मुँह के लिए अडॉप्टर भी मिल चुका है, लेकिन अभी क्योंकि इसको थोड़ा सा समय और देने की ज़रूरत है। अभी पैर में थोड़ा सा तकलीफ आ रहा है, वो भी पेन कम हो जाए उसके बाद हम इसको अडॉप्टर के पास शिफ्ट करेंगे, इसलिए अभी शीरीश उसको फॉर सम डेज फॉस्टर कर रहे हैं। क्या है ये? मेरे बेड पे रह गई थी आज गलती हाँ? से, और ये मैं जैसे ही जाता हूँ ये मेरे बेड पे आके सोती है, तो वहाँ थोड़ा इसे टाइम पास करने के लिए मिल गई मेरी घड़ी। टाइम पास करने के लिए टाइम को टाइम खत्म कर दिया इसने आज मेरा। घड़ियाँ नहीं पसंद तुमको? मधुबाला हमारे पास छतरी से आई थी, इसकी हड्डी बाहर थी, हमने इसकी स्प्लिंटिंग की थी और जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी हड्डी अंदर चली गई। पहले ये पैर नहीं लगा रही थी बाहर नीचे, पर अब ये पैर नीचे लगा रही है, थोड़ा थोड़ा वेट लेने की कोशिश कर रही है अपने आप। तो अभी हमने इसका एक स्प्लिंट जो हड्डी के अंदर करने के लिए किया था वो हटा दिया, और बाकी 2 स्प्लिंट्स अभी भी सपोर्ट के लिए हमने रखे हैं। सुंदर हमारा अडॉप्टेड बुल था जो काफी समय से हमारे साथ रह रहा था, उसकी उम्र भी लगभग 15 से 16 साल के ऊपर ही थी। वो अंधा था जिसकी आँख की ट्रीटमेंट भी हम काफी टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे, उम्र के चलते उसके हेल्थ में भी काफी इश्यूज आने लगे थे। सुंदर को डायरिया की प्रॉब्लम रह रही थी, कभी उसका डायरिया ठीक हो जाता था बीच में ट्रीटमेंट के बाद, और बीच में फिर हो जाता था। वो कई बार नॉर्मल घास वगैरह खाने से भी हो जाता है, पर उसको थोड़ा रिकरेंट ही हो रहा था, तो वो थोड़ा वीक हो रहा था। तो जिस दिन वो बैठा उस दिन सुबह तक वो ठीक था, वो बाहर खुद आया, उसने खाना भी खाया था और जुगाल भी करा था, पर वो शाम को फिर उठ नहीं पाया। हम जब गए तो उसकी जो ब्रीथिंग थी वो कम थी, फिर हमने उसका टेम्परेचर लिया, फ्लूड थेरेपी के लिए भी गए, हमने उसको चेस्ट पे पंपिंग करने की कोशिश की, काफ़ी देर पंप करते रहे, मैंने भी किया, डॉक्टर गुलशन ने भी किया, पर फिर भी वो कोप अप नहीं कर पाया और उसकी ना ब्रीदिंग दोबारा वापस आई ना उसकी हार्ट बीट वापस आई। तो कांगड़ा में एक डॉग है जिसका फ्रैक्चर भी है, प्लस उसको मुंह पे ऊपर एक बूंद भी है काफ़ी बड़ा, ना लगा तो नहीं है पर अभी वो फ्रैक्चर है तो उसको लाना पड़ेगा, प्लस बूंद भी है तो कीड़े पड़ जाएंगे। गाड़ी चढ़ गई है उसके ऊपर है अंदर। जिन्होंने हमें कॉल करी तो उनके सामने इसका रोड एक्सीडेंट हुआ, जैसा कॉलर ने हमें बताया कि गाड़ी के दोनों टायर इसके शायद पीछे वाले हिस्से पे चढ़ गए थे। हमें फ्रैक्चर तो फील हुआ है और साथ में इसके रगड़ लगी है काफ़ी ज़्यादा लगी है फेस पे, तो अभी हम इसके फ्रैक्चर के लिए इसका एक्सरे करवाएंगे, फिर वो एक्सरे से डिसाइड होगा कि प्लास्टर होना है या सर्जरी होनी है। बैठे रहने की वजह से चोट लगी थी तो बढ़ के थोड़ा सा उसमें मैगेट्स का इशू भी आ गया था। उसकी डेली ड्रेसिंग कर रहे थे और बाकी उसके एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स और टॉनिक्स तो चले हुए थे, खुद खड़ी नहीं होती थी, सब उसे सपोर्ट के साथ खड़ी हो जाती थी और फिर वो हॉइस्ट पे भी वेट ले लेती थी। हमने जब हॉइस्ट रिमूव कर दिया तो वो चारों टांगों पर खड़ी हो रही थी, उसने खाया घास भी खाया और फिर वो चल के भी गए सपोर्ट के साथ अंदर तक, तो हमने उसको कॉशन में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन जब हम सुबह आए तो हमने देखा कि वो नहीं बच पाई थी। हमारा कोई शेल्टर नहीं है हेल्दी एनिमल्स का, हमारे पास तो क्लिनिक है जिसपे कि हमारे पास सारे बीमार जानवर ही आते हैं, इसलिए हम बैठे जानवर को अवॉइड करते हैं क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है और वो डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी रिस्क पे आ जाती है। कारण जी ने हमें फ्रिज डोनेट किया जो कि काफी टाइम से हमारी विश लिस्ट में था और हमें काफी ज्यादा जरूरत थी क्योंकि ये जो हमारी पुरानी फ्रिज थी छोटी है और अब हमारा काम काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो सामान ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, एक कोई ब्रीड डॉग है ना एक, तो उसको रेस्क्यू करना है। जो उसके इन्फॉर्मर थे मैंने वही सजेस्ट किया कि आप विनीता से बात करिए, उनका शेल्टर है, उनके पास जगह भी है। विनीता जी गए भी उसको लेने, 2-3 दिन गए लेकिन डॉग पकड़ में नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया और इसलिए हमने भेजा ताकि डॉग रेस्क्यू भी हो जाए। किसके लिए वेट कर? उसके बैठने का, वो देखो खड्डा कर बैठने के बाद ट्राई करेंगे, खड़े खड़े तो देख के भाग जा रही ना।
तो पहले वो दुकान के अंदर बैठ गया जाके, तो हमने उसको नेट से पकने का ट्राई किया पर वहां से वो भाग गया। लगता है थोड़ी मार रही है। अभी डार्ट गन से ट्राई कर रहा है। एक मिनट, यही ऑप्शन है कि अब ट्राई करते हैं भैया। तो वो डॉग रोड के साइड में बैठा हुआ था, तो रोड पे हम उसके ऊपर डार्ट गन यूज नहीं कर सकते थे, तो हमने उसको साइड में बिस्किट दिए और वहाँ पे एक ढाबा था, तो ढाबे के अंदर मैंने खड़े होके वहाँ उसके ऊपर डार्ट गन चला दी। डॉग को वूंड था, अबैंडन था डॉग एक महीने से, बहुत ज़्यादा वीक थी। पीछे वाले हिस्से में भी एक मैगेट वूंड था, शोल्डर वाले हिस्से में भी एक मैगेट वूंड था, और जो उसका फ्रंट लेग है वो फ्रैक्चर हुआ होगा पहले और वो गलत तरीके से जुड़ गया था। जहाँ हमने इस डॉग को छोड़ा है विनीता जी के शेल्टर है ना। कल तेरे को बोला था तुझे आना मेरे पास है, मत दौड़ा मुझे, मत दौड़ा। परसों तो मैं अकेली थी, इसने जो मुझे दौड़ाया, इसने मुझे पूरा वो एरिया अच्छे से घुमा दिया। इसके चक्कर में मुझे दो और घायल बच्चे मिल गए, उनका ट्रीटमेंट हो गया, मगर दीदी नहीं थी। फिर कल हम दोनों थे तो हमें भी रज के भगाया। फिर वहाँ पे हमें मास्टर जी भी मिला, वो काफी हेल्दी था और बहुत खुश था और हमें देख के हमारे साथ खेलने लग पड़ा।